त्योहारों पर मिलावटखोरों पर लगाम लगाने के लिए एसडीएम सदर गौरव सिंह सुगरवाल के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम ने महानगर स्थित रिद्धि सिद्धि मिष्ठान पर छापा मारा तथा दुकान में बन रही मिठाइयों की गुणवत्ता की जांच की तथा सैंपल लेकर उसे जांच के लिए लैब भेज दिया, जिसके संबंध में एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सुगरवाल ने बताया कि दीपावली पर्व पर मिठाइयों की काफी बिक्री की जाती है और मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, जिसको देखते हुए खाद्य विभाग की टीम के साथ बुधवार को रिद्धि सिद्धि के दुकान पर छापेमारी की गई और उनके किचन को चेक किया गया। वहां से खोवा, मेवा व पनीर के नमूने लिए गए हैं। एसडीएम सदर ने बताया कि दुकान पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था और खाद्य पदार्थों को बनाते समय जो स्वच्छता होनी चाहिए वह नहीं देखा गया। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग नमूनों का टेस्ट करके जो रिपोर्ट देगा उसके आधार पर दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम सदर ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि नागरिकों को मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचाया जाए जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसडीएम सदर आईएएस गौरव सिंह सुगरवाल ने कहा, ये सर अभी पैक कर रहा, अभी तो लड़का पैक कर रहा, अभी मतलब अभी कुछ कर रहा था। आपको ये भी बता दें, बहुत से लोगों में कोरोना वायरस के हल्के फुल्के लक्षण भी दिखते हैं और कई में शुरू में ये लक्षण दिखते ही नहीं, इसीलिए सामाजिक दूरी बनाकर तैयार रहें। मैदा है उसमें, वो मैदा है, मैदा में कुछ नहीं है उसमें, लीजिए जी लेना उसमें, हाँ लीजिए उसमें भी देख रहे हैं उस कमरे में, खोलिए सिलेंडर, कौन सिलेंडर की छोटी छोटी है जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं, जल्दी जल्दी। Thank you.
किचन नीचे है सर, एक नीचे है सर, एक किचन नीचे है। शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप त्योहारों के सीज़न में, अब चूंकि दिवाली, धनतेरस सारे त्यौहार क्रमशः लाइन से हैं, ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट का दौर काफ़ी जारी है, तो बहुत शिकायतें हमें मिल रही थी। ख़ास तौर पर शहरी हमारे जो मिठाई की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ से, तो इसी क्रम में खाद्य एवं औषधि सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर आज हमने दो जगह पे, एक तो रिद्धि सिद्धि और दूसरा सुख सागर स्वीट्स में हमने छापेमारी की और कई सारे नमूने लिए, खास तौर पर दूध के पदार्थों के, पनीर, खोआ, मावा, इसके वो लिए। और दूसरी तौर पर प्रथम दृष्टया कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके की सुरक्षा मानकों का उपयोग किया जाना चाहिए, जो शासन के दिशा निर्देश हैं, दोनों दुकानों में से किसी के द्वारा भी इनका पालन नहीं किया गया। साथ के साथ जो एक सफाई व्यवस्था, स्वच्छता रखनी चाहिए खाद्य पदार्थों को बनाते समय, वो भी नहीं दी गई है। तो अभी खाद्य औषधि विभाग एक रिपोर्ट देगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट देगा, उसके आधार पर हम प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे। इसी संदर्भ में ये जो त्यौहारों का सीजन है, इसी संदर्भ में और भी दुकानों पर हम बराबर इसी तरीके का अभियान चला के रखेंगे। हमारा प्रयास है कि गोरखपुर वासियों को मिलावट फ्री सामान मिले, मिलावट फ्री, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल, कोविड के कारण पहले ही से ही बहुत सारी बीमारियों से लोग भयभीत हैं, शंकित हैं। ऐसे में अगर खाद्य पदार्थों में कोई मिलावट करके अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से किसी को कुछ करता है, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसीलिए हम ये अभियान चला रहे हैं। आप लोगों से बस, आप लोगों के द्वारा मतलब यही कहना चाहेंगे लोगों से कि जब भी किसी मिठाई की दुकान से अगर लेने जाते हैं, तो अपना जो FSSAI वाला जो उनका टैग मार्क है वो ज़रूर देखें। और खाद्य पदार्थों में इस टाइम पे मिलावट का दौर काफ़ी है, लोग काफ़ी मिलावट कर रहे हैं, तो लेते समय सुनिश्चित करें कि कोई मिलावटी सामान आप ना लें। और दुकानदारों, व्यापारियों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि सुरक्षा पहले है, लोगों की स्वास्थ्य पहले है, लोगों की हेल्थ पहले है। आप मुनाफा कमाएं, लेकिन तय नियमों के तहत। कोई मुनाफाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट ना करें। शासन के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, कार्रवाई की जाएगी।
है।